सो वेलकम गाइज। और फाइनली BGMI अनबैन होने वाला है, ये तो कंफर्म हो चुका है कि BGMI 1000% अनबैन होने वाला है। लेकिन अनबैन होने के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी और क्राइटेरिया रख दिए। तो क्या क्या रखी है, क्या क्या होने वाला है भाई, या BGMI फिर से बैन भी हो सकता है? तो यस, देखने के लिए पूरे वीडियो को देखो, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। चलो लेट्स गो। तो ये आपको दिख जाएगा गाइस, यहाँ न्यूज़ 18, यस न्यूज़ 18 का एक आर्टिकल आया, उसमें लिखा हुआ इज बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया मेकिंग अ कमबैक, गेम में रिटर्न विद लिमिटेड प्ले टाइम, नो कोरी एक्सक्लूसिव। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं, इन आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है मंथ आफ्टर इट वॉज बैन इन द कंट्री, पॉपुलर गेम बैटल ग्राउंड मोबाइल इज लाइकली टू मेक अ कमबैक वेरी सून। यस, जल्दी आने वाला इन्होंने बोला है, बहुत ही जल्दी। और विद टॉप सोर्सेस इन द गवर्नमेंट टेलिंग न्यूज़ 18 दैट अ डिसीजन वॉज टेकन टू अनब्लॉक द ऐप। तो ये यस ऐप में अनब्लॉक होने वाला है स्टोर में, लेकिन 3 महीने के लिए, मतलब ये 3 महीने के लिए ही करने वाले हैं इसे अनब्लॉक। शायद ऐसा होगा कि 3 मंथ्स के लिए लोग देखेंगे, अगर ये प्रॉपर इन्होंने जैसे इनके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से होगा तो इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ये 3 महीने में फिर से ये बैन हो सकता है अगर इन्होंने BGMI वालों ने फॉलो नहीं किया इंडिया के गाइडलाइंस को। तो और नीचे भी क्या लिखा, द सोर्सेस सेड आफ्टर मीटिंग इन द गवर्नमेंट इट हैज बीन रिकमेंडेड टू लीव द बैन फॉर अ लिमिटेड टाइम। लिमिटेड टाइम के लिए ऊपर वैसे भी बोल ही गया 3 मंथ, फॉर सम चेंजेस इन ओरिजिनल वर्जन ऑफ द गेम। ओरिजिनल वर्जन में जो जो इन्होंने चेंजेस बोला है वो चेंजेस इनको करना पड़ेगा जो इंडिया गवर्नमेंट ने बोला है। दे एडेड डेट द प्लान हैज इनिशियल आफ्टर द कंपनी मेड सर्टेन चेंजेस एंड टोल्ड द गवर्नमेंट डेट विल कंपनी विद द रूल वाइल द न्यूज मे ब्रिंग बैक चीयर द गेमर। अच्छा, तो यस ऑब्वियसली ऐसे न्यूज तो गेमर्स लोग को चेयर्स कर ही देगा, ये लिखा सब खुश हो गए। लेकिन इन्होंने नीचे और भी कुछ लिखा, देयर इज नो क्लैरिटी ऑन वाई द गेम हैज बीन गिवेन अ ग्रीन सिग्नल डिस्पाइट इंटेलिजेंट रिपोर्ट सेइंग इट वाज कम्युनिकेटिंग विद सर्वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोकेटेड इन चाइना। तो इंटेलिजेंट ने अभी भी बोल रहे कि भाई क्यों ग्रीन सिग्नल दे रहे हो, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाइना को ही, मतलब कहीं भी सर्वर रखो कुछ भी रखो चाइना से ही लिंक है ये, तो इधर डेटा शेयरिंग हो रहा है, ये सारी चीज़ें है ये। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस प्लेयर विल नॉट बी एबल टू इंगेज विद द गेम 24/7, मतलब 24 घंटे आप लोग एंगेज नहीं रह सकते इसमें, ये स्ट्रिक हो जाएगा। ऑब्वियसली पहले बिलो 18 तो था ही कि कम थे, तो अभी 24 घंटे से नीचे अब सबके लिए शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 24 अगर सबके लिए तो 7-8 घंटा कितना होगा वो पता नहीं, फिर भाई 4-5 घंटा होगा तो सब परेशान हो जाएंगे, या 7-8 घंटा होगा तो बड़े लोग एटलीस्ट इतना होना चाहिए बड़े लोगों के लिए, बच्चे लोग के लिए तो ठीक है। तो नो ब्लड जो लिखा हुआ इन्होंने सोर्सेस कन्फर्म न्यूज़ 18 दैट द कंपनी हैज टोल्ड गवर्नमेंट ऑफिशियली दैट दैट देयर विल बी नो ब्लड इन द गेम। वैसे भी नहीं था भाई, चेंज कर ही दिया था इन्होंने, ग्रीन कर दिया था, लीव कर दिया, एंड दे विल चेंज इट्स कलर, यस हो चुका था वो इन द लास्ट एडिशन, देयर वॉज अ चॉइस टू चेंज, अच्छा कलर चेंज का ऑप्शन था, मुझे नहीं लग रहा था उन्होंने ग्रीन ही कर दिया था, कलर चेंज का ऑप्शन दूसरा था, शायद रेड था ही नहीं, रेड ब्लू ग्रीन पता नहीं, रेड का पता नहीं ड्यूरिंग फायरिंग, बट नाउ द चेंज विल बी डिफॉल्ट सेटिंग में, मतलब एक ही होगा कोई भी शायद, या दो होगा पता नहीं, डिफॉल्ट मतलब एक ही रहेगा। फिर तीसरा पॉइंट इनका देखो, अदर इंटरनल चेंजेस एंड सर्वर सिंस द गेमर वाज फेसिंग एलिगेशन ऑफ एडिक्शन विद मर्डर एंड सुसाइड, ये बड़ी बात है, बीइंग रिपोर्टेड ड्यू टू प्लेयर्स फिक्सेशन विद इट, द गवर्नमेंट हैड आस्क्ड द कंपनी टू इंट्रोड्यूस रिलेवेंट चेंजेस इन द गेम इंक्लूडिंग द सर्वर। मुझे नहीं लगता ये बहुत ही यूजलेस और बकवास चीज़ है, क्योंकि एडिक्शन भाई बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें कि सिगरेट दारू बहुत सारी चीज़ें जिसकी एडिक्शन लगती है उसे वो बैन नहीं करे और इस चीज़ का लगा रहे, तो ठीक है ये ज़्यादा बच्चे करते तो मे बी इसीलिए बच्चों को एडिक्शन नहीं दिलाना, तो बच्चे भी खेलते ये सीन हो सकता है। तो लेकिन ये मुझे बकवास पॉइंट लगा है एडिक्शन वाला, हर चीज़ का एडिक्शन लग सकता है वैसे। तो इंटेल रिपोर्ट विद ट्रिगर्ड बैन इन ऑगस्ट, इट वॉज रिवील्ड इट वॉज अ रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन फ्रॉम द मिनिस्टर। तो ये इतना मुझे नहीं लग रहा है कुछ है, द रिपोर्ट टॉक अबाउट द वायलेशन दैट कैन क्रिएट साइबर थ्रेट बाय हार्वेस्टिंग यूजर डेटा फॉर
प्रोफाइलिंग टू कैरी आउट टारगेटेड साइबर अटैक ऑन इंडियन यूजर। हाँ, ये मुझे लग रहा है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि जो डेटा अगर चाइना लेता है, अगर उसको कभी सारा डेटा होगा अगर चाइना के पास, तो अगर उसे कभी साइबर अटैक करना पड़ा, कुछ करना पड़ा, या फिर उन्होंने ऐसा टेक्नोलॉजी बना लिया कि पूरी इंडिया में एक साथ भेजेंगे सबको साइबर अटैक करना, तो ये चीज़ हो सकता है। लेकिन ये भी चूतिया पाई है, बचकाना है, क्योंकि अगर साइबर अटैक उसे करना हो तो डेफिनेटली वो कहीं से भी डेटा ले सकता है, कहीं से भी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी हम लोग अगर यूज़ करते हैं आजकल, अब हर किसी के पास अपना डेटा है, हर किसी के पास, तो ये परचेज करके यार कोई भी कर सकता है। तो मतलब इट वॉज टॉक अबाउट द ऐप वेरियस इशू डैट मोस्ट पिटिंग एमंग देम एज द फैक्ट दैट इट वॉज कम्युनिकेटिंग विद सर्वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोकेटेड इन चाइना। हाँ, वो तो हम पता ही है। सोर्सेज ऑल्सो कन्फर्म डैट अदर ऐप विच हैव फ्री बैन आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विद सर्वर इन चाइना एंड आर अंडर सिक्योरिटी। यस, अगर इनके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो ये भाई रीबैन कर सकते हैं।